राधा स्वामी सत्संग घर दे विच बच्चियां नाल रेप। 70 साल दे सेवादार ने कीतियां हद्दां पार। 4 महीने दी गर्भवती है मासूम बच्ची। जी हाँ, राधा स्वामी सत्संग घर दे विच 2 मासूम बच्चियां दे नाल दुष्कर्म किया गया, जिस दे वल्लों एक करतूत की गई। वह 70 साल का बजुर्ग है जिसने बच्चियां नू हफ्श का शिकार बनाया। वह बजुर्ग जो चंगी तरह चल भी नहीं सकता। संगत नू हाले भी यकीन नहीं आ रहा कि वह शख्स जो डेरे की सेवा संभाल करता सी उसने एक घटिया काम किया। बच्ची के पिता ने कहा कि उसने सिर्फ उम्र का लिहाज किया, नहीं तो उस सेवादार नू सत्संग घर दे विच ही खत्म कर देना सी। 13 साल की मासूम बच्ची दे नाल ए दुष्कर्म किया गया। यूपी दे बुलंदशहर का है ए मामला। लोकां नू यकीन करना औखा है कि राधा स्वामी सत्संग घर दे विच बच्चियां दे नाल रेप होया। जदों बच्ची का मैडिकल करवाया गया तो वह 4 महीने की प्रैगनेंट सी। हालांकि पुलिस ने आरोपी नू गिरफ्तार कर लिया। इस वेले मुलजम मोहन लाल राजपूत जेल दे विच है। 2 मासूम बच्चियां दे नाल होए रेप तो बाद पुलिस ने सत्संग घर नू ताला जड़ दिता। पुलिस ने साफ कहा कि जदों तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हुंदी उदों तक कोई भी श्रद्धालु इस आश्रम दे विच ना आवे। हफ्ते च एक दिन हुंदा है सत्संग। दस दिए कि हफ्ते दे विच एक दिन खास करके ऐतवार नू राधा स्वामी सत्संग घर दे विच सत्संग हुंदा है। बाकी 6 दिन यह सुनना हुंदा है, जिसकी देखभाल इस सेवादार दे वल्लों की जा रही सी। सेवादार ने इसका फायदा चुकिया ते ए घिनौना काम किया। दस दिए कि जो सत्संग घर दे विच एंटर हुई है तो एक पासे कमरे बने हुंदे ने। एक कमरे दे विच खाण पीण का समान पिया हुंदा। इस कमरे दे विच ही बच्चियां दे नाल रेप किया गया। डेरे दे चारे पासे 7 फुट दे करीब कंधा हुंदियां ने। पीड़ित बच्ची दे पिता ने किते वड्डे खुलासे। बच्ची दे पिता ने कहा कि इस डेरे दे विच पहला भी कांड हुंदे सी, इस नूं बंद किया जावे। बच्ची दे पिता ने खुलासा किया कि पहला बच्ची ने कुछ नहीं दस्या। जदों उसका पेट फुलना शुरू होया तो उन्होंने शक होया। वह डॉक्टर दे कोल चले गए। उसने अल्ट्रासाउंड करवाउण दी गल कही। जब रिपोर्ट आई तो पैरां थल्लों जमीन खिसक गई। जब पता लगा कि उन्हां दी मासूम बच्ची 4 महीने की गर्भवती है। घर आके बच्ची ने सारी गल दसी। हालांकि पहला वह डरी हुई सी। बच्ची दे पिता ने यह भी खुलासा किया कि पहला इत्थे एक सेवादार ने कुत्ते दे नाल गलत काम किया सी। जब यह गल फैल गई तो सेवादार फरार हो गया। बच्चे की माँ ने भी दसी सारी गल। बच्ची की माँ ने कहा कि एक होर कुड़ी साड़ी धी नू सत्संग घर दे विच लैके जांदी सी। बच्ची रोज़ शाम नू घूमण जांदी सी। पिछले कुछ दिनों तो वह शांत सी। उसने कुछ नहीं दसिया। उसने दसिया कि इस केस दे विच एक होर लड़की शामिल है जो इन्हां दोवां मासूम बच्चियां नू सत्संग घर दे विच लैके जांदी सी। उन्हां नू शक है कि वह तीजी लड़की सेवादार दे नाल मिली हुई है। परिवार नू यह घटना 22 अक्टूबर नू पता लगी। इस संबंधी कई पंचायतां भी बैठियां। समझौते दे लई परिवार ते दबाव पाया गया। कई तरह के दिलासे दिते गए पर परिवार ने कहा कि असी समझौता किसी भी कीमत उपर नहीं करांगे। आश्रम का केयर टेकर भी गायब हो गया। जो इस मामले ते पुलिस ने एक्शन किया, केयर टेकर भी अपने घर नू जिंदा लगा के भज गया। बच्चियां नू साइकिल सिखाउण दे बहाने कमरे दे विच सेवादार लै जांदा सी। बच्चियां नू कदे बिस्किट कदे टॉफियां ते होर खाण पीण वालियां चीज़ां दे दिंदा सी। 10-20 रुपये भी दे दिंदा सी। किसी ना किसी बहाने बच्चियां नू कमरे दे विच लिजा के उन्हां दे नाल गलत काम करता रहा और उन्हां नू फिर धमकियां भी दिंदा सी कि जेकर उन्हां ने रौला पाया घरदियां नू दस्या तां उह जानों मार देवेगा। 6वीं-7वीं क्लास दे विच पढ़दियां ने बच्चियां। जिन्हां बच्चियां दे नाल दुष्कर्म किया गया वह बच्चियां 6वीं-7वीं क्लास दियां विद्यार्थन ने। जिस दे वल्लों यह दुष्कर्म किया गया वह पिछले 8 सालों तो इत्थे सेवादार है।
ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਿਆਣਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਓ ਕੇ ਸਾਥ ਰੇਪ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ 2 ਪ੍ਰਥਕ ਤਹਿਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਕਦਮਾ ਅਪਰਾਧ ਸੰਖਿਆ 445 ਔਰ 446 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੇਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਹੀ ਵਿਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਉਸੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੇਤੂ ਨਿਆਲਾ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਘਟਨਾ ਕਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਆ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਤਹਿਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਕੇ ਲੀਏ।